टेक न्यूज़ के एक नया और फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो प्रशांत पे। और मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने चैनल पे। और आज आपके लिए लेके आ गया हूं टेक न्यूज़ का एक नया और फ्रेश एपिसोड अपने चैनल पे। सबसे पहले तो चलिए फटाफट से टेक न्यूज़ का एपिसोड शुरू कर लेते हैं दोस्तों। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जो पहली खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है पोको की तरफ से। जो पोको F2 Pro था वो लॉन्च हो गया था, काफ़ी दिनों से लीक्स में था दोस्तों, ये फ़ोन लॉन्च हो गया है। सिंगल सेल्फी कैमरा है जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है। बात करें या तो इसको हम कह सकते हैं रेडमी K30 Pro, सेम यही फ़ोन लॉन्च हुआ था रेडमी K30 Pro के नाम से, जो कि अभी पोको F2 Pro के नाम से लॉन्च हो गया है। जो दोस्तों इसकी जो कीमत है 6 GB रैम और 128 GB वाली, वो तकरीबन 41,500 है। और 8 GB रैम और 256 जो इंटरनल स्टोरेज है उसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपये है। ये कीमत थोड़ी हाई है, अगर इंडिया में इसको चलना है तो इसको तकरीबन 30,000 से 35,000 के आसपास से अराउंड लॉन्च करना पड़ेगा अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो। एंड्रॉयड 10 के साथ में ये फ़ोन आता है। साथ ही दोस्तों MI वाली 11 पर आधारित है, 64 मेगापिक्सल की क्वाड रियर कैमरे के सेटअप के साथ में आता है। और जो इसमें स्टोरेज टाइप दिया गया है वो UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। और दोस्तों और कुछ बात कर लेते हैं, जो इसका जो डिस्प्ले है वो है दोस्तों तकरीबन 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। फिंगरप्रिंट दोस्तों इन डिस्प्ले दिया गया है। 4700 mAh की बैटरी दी गई है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। लेकिन मिला जुला के दोस्तों जो ये फ़ोन है पोको F2 Pro वो ऐसा माना जा रहा है कि सेम टू सेम रेडमी K30 Pro है, जिसमें भी उसमें भी हमको स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने को मिल रहा था, बाकी यही सारी चीज़ें सेम टू सेम दी गई थी। तो दोस्तों यही है कुछ हिसाब किताब पोको F2 Pro का जो कि रेडमी K30 है। तो दोस्तों पहली खबर में बस इतना ही। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जो दूसरी खबर है वो निकल के आ रही है वीवो की तरफ से। जो वीवो का V19 था काफ़ी टाइम से चर्चे में था, अभी लॉन्च हो गया, डुअल सेल्फी कैमरे के साथ में लॉन्च हुआ है। 32+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है। और साथ ही दोस्तों 48 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे के साथ में लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता जो वीवो है दोस्तों 64 मेगापिक्सल का कैमरा कब लेके आएगा। V15 में भी 48 मेगापिक्सल, V17 में भी, अभी V19 में भी दोस्तों 48 मेगापिक्सल पिक्सल का ही कैमरा दिया गया है। और 15 मई से ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे दोस्तों अवेलेबल होगा, आप इसको परचेस कर सकते हैं। 27,990 रुपये जो कीमत है उसकी रखी गई है, 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाली। और जो 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज दोस्तों वो कीमत है तकरीबन 31,999 रुपये रखी गई है। और जो दोस्तों ये 6.44 इंच के एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की, और आगे और पीछे दोनों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन दी गई है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलता है फ्रंट टच OS 10 पे, और साथ ही एंड्रॉयड 10 पे स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर है जो कि काफ़ी पुराना है। मुझे ऐसा लगा था 730 अगर नहीं तो दोस्तों 765G पे नहीं अगर लॉन्च होता तो 730 पे तो लॉन्च होना ही चाहिए था। आपको क्या लगता है आप बताइए नीचे दिए कमेंट सेक्शन में। यही वीवो V19 Pro यही है उसकी कुछ हिसाब किताब, यही है कुछ कहानी जो कि लॉन्च हो गया है दोस्तों आज इंडिया में। 15 मई से आप इसको परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, या फिर दोस्तों ऑफलाइन रिटेल स्टोर पे भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो दूसरी खबर में बस इतना ही। बात है कुछ ऐसी, जो तीसरी खबर है वो निकल कर रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग का जो फीचर है उसको लेके अभी आप व्हाट्सएप में एक लोगों के साथ या फिर दोस्तों ग्रुप में अगर वीडियो कॉलिंग करते थे तो अभी आपको काफ़ी अच्छा फीचर देखने के लिए मिलेगा, एक अपडेट के जरिए मिलेगा आप, जिससे 50 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग में या फिर दोस्तों कॉन्फ्रेंसिंग अगर आपको करना है तो काफ़ी बेस्ट होगा आपके लिए। 50 लोगों के साथ आप एक बार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जल्दी ये अपडेट है दोस्तों जो आएगा आने वाला है, आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो अपडेट है 50 लोगों से वीडियो कॉल करने वाला ये हो सकता है जून या जुलाई के महीने में रोल आउट किया जाए। आप पहले दोस्तों ट्रायल वर्जन के लिए किया जाएगा और देखते जो स्टेबल वर्जन का अपडेट होता है वो दोस्तों कब तक मिलता है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी खबर है कि अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, अगर आपको उसी में दोस्तों व्हाट्सएप में इनबिल्ट थी अगर आपको 50 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का दोस्तों एक अपडेट मिल जाए या फिर कोई फीचर मिल जाए तो काफी आसान होगा। अलग अलग से ऐप्स आपको फोन में नहीं रखने पड़ेंगे तो काफी अच्छा होगा, अच्छी बात होगी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों व्हाट्सएप का ये जो 50 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का अपडेट होगा वो आपको कैसा लगा, जरूर से कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए। तो तीसरी खबर में दोस्तों बस इतना ही। तो फाइनली जो चौथी खबर है वो निकल के आ रही है, रेडमी का जो नोट 9 प्रो मैक्स था लॉन्च हो गया था, आज सेल पे आया था। ऐसा दोस्तों हुआ है कुछ ऐसा कि कुछ ही मिनटों में जो सेल था आउट ऑफ स्टॉक हो गया। रेडमी का जो नोट सीरीज़ होती है दोस्तों, नोट 7 की बात करें, नोट 8 या फिर नोट 9 की बात करें, तो जो ये सीरीज़ है ऑनलाइन आती है दोस्तों कुछ ही सेकेंड्स में जो स्टॉक आउट हो जाती है। मनु कुमार जैन ने भी ट्विटर हैंडल पर कहा है, #RedmiNote9 Pro Max फर्स्ट सेल वेंट आउट ऑफ स्टॉक इन फ्यू मिनट्स, दोस्तों कुछ ही मिनट्स में स्टॉक आउट हो गया। वी अंडरस्टैंड दैट दीज आर थोट टाइम्स फॉर एवरी वन, हम्बल माई लव एंड सपोर्ट सोन बाई MI फैंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दोस्तों
उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया कि इस समय भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे मी फैंस हैं जिन्होंने अपनी जो मी के प्रति दोस्तों प्यार है वो जताया और कुछ ही मिनटों में दोस्तों सेल का स्टॉक आउट कर दिया है मी नोट 9 प्रो मैक्स का। अभी दोस्तों ये पता नहीं है कि कितने डिवाइसेस बिके हैं, कितने मिनट में स्टॉक आउट हुआ है, लेकिन दोस्तों हाँ स्टॉक आउट हो गया है कुछ ही मिनटों में। तो दोस्तों जो इसकी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं, 6 GB और 64 GB वाली जो कीमत है वो तकरीबन रखी गई है 16,499 रुपये, 6 GB रैम और 128 GB जो स्टोरेज है उसकी कीमत है 17,999 रुपये, और सबसे हाई एंड जो वेरियंट है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला 19,999 रुपये कीमत रखी गई है। अगर आप Redmi Note 9 Pro Max लेना चाहते हैं तो इंतजार करिए अगली सेल का दोस्तों, अगली सेल में आएगा। अगर आप अभी नहीं ले पाए तो अगली सेल में ले लीजिएगा। फाइनली तो दोस्तों चौथी खबर में बस इतना है, जो कि Redmi Note 9 Pro के बारे में थी वो स्टॉक आउट हो गया। तो भैया पांचवी और आखिरी खबर की बात करते हैं, वो निकल के आ रही है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। तो दोस्तों अगर आप IRCTC से आपने बुकिंग की है और आप रेलवे की ट्रैवल करना चाहते हैं रेलवे का ये टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहली गाइडलाइंस ये है दोस्तों कि आपको अगर आप इस समय रेलवे की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस समय आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके डाउनलोड करके जो अपनी पर्सनल डिटेल्स है दोस्तों आपको जिसके बारे में पूछा जाएगा वो आपको बताना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि आप जो आपका जो जाने वाला जो दोस्तों आपका गंतव्य है जहां आप जाने वाले हैं वहां का जो उस स्टेट का दोस्तों क्या है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, और आपको अपनी बॉटल अपना जो बॉटल होगा पानी का बॉटल दोस्तों और जो यात्री होंगे उनके लिए मास्क दोस्तों कंपलसरी होगा, अपनी चादर दोस्तों, और AC जो इस समय बुकिंग हो रही है केवल AC कोच की बुकिंग हो रही है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर अगर आप कहीं यात्रा करने की ट्रैवल करने का सोच रहे हैं लॉकडाउन में आपको अपने घर जाना है या फिर कहीं जाना है दोस्तों, तो आप आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके रखिए, नहीं तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर थी, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी खबर थी। तो दोस्तों इस टेक न्यूज़ के एपिसोड में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Poco F2 लॉन्च हो गया, Vivo V19 लॉन्च हो गया, Huawei का 9X लॉन्च हो गया दोस्तों इंडिया में, यही कुछ खबर थी जो कि मैंने आपको बता दी स्पेशल लॉन्च और दोस्तों मी नोट 9 प्रो मैक्स को लेके भी। तो आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। तो वीडियो बना पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों अपना प्यार दिखाइए हमको, और आपका कोई कमेंट है सुझाव दोस्तों प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों आपको बताना नहीं है क्या करना है दोस्तों, दबा दीजिए जाके सब्सक्राइब बटन को और दबा लीजिए दोस्तों घंटे के, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहती है। मिलूंगा कल आपसे टेक न्यूज़ के एक नया फेस एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद, वंदे मातरम।